काले में सूर्य जा रहा है, तो हम लोग सभी स्टाफ ने प्लेट दे रहे हैं एक्चुअली कस्टमर प्लेट लेने के लिए, और उनको तैयार किया है, प्लेट दिया भी है। आप लोग सभी जानते हैं कि ये अवेयरनेस भी बन रहा है कि हम किसी भी हालत में इसको प्रमोट नहीं करेंगे, विलिंगली अनविलिंगली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हमारा जिम्मेदारी होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी हो रहा है कि सिस्टम तैयार करना होगा कि जब तक जिस व्यक्ति का वो अमाउंट है, जब तक लालच करेंगे, आपको क्लियर करना पड़ेगा बैंक कभी भी आपको कोई लालच नहीं देता, बैंक आपको कभी किसी प्रकार की कोई ट्रीट नहीं करता। ज्यादातर कितने मामले आए होते हैं ये इसी चीज को पाया गया है, या तो लालच दे के उसको ट्रैप किया गया है, फंसाया गया है, या तो उसको ट्रीट करके फंसाया गया है, या किसी तरीके से उसके अंदर एक सोशल, हम पढ़े लिखे आदमी और कोई वजह नहीं है कि हम अगर एक मिनट के लिए अपना समय देके उस सीट बेल्ट को लगा लें, और आप जब इसको इसी आदि हो जाते हैं और आप बिना सीट बेल्ट के चलते हैं तो आपको आसमंदर सीट अपने आप लगती है। ऐसी हमको ऐसी जो रूल्स हैं ये उसको तो एक अलग चीज होगी, लेकिन ट्रैफिक जो सुरक्षा के जो मार्ग हैं उनको हमें आदत के रूप में शामिल कर लें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। आज का समय सर हम दो हमारे दो का तीसरा बच्चा नहीं है तो हम तो हमारे को भी कभी पूरा करें, बेहतर होगा कि हम चीज़ों से बचने के लिए यदि अपने आसपास के लोगों में इस चीज़ को अवेयर कर सके तो एक अच्छी बात होगी, और कम से कम हम और आपको कहीं ना कहीं खुशी भी होगी। आप सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत चूंकि 29 अक्टूबर से चलाया जा रहा है सीबीसी के द्वारा, और जिसमें यहाँ के क्षेत्रीय सेंट्रल बैंक छिंदवाड़ा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अवेयरनेस फॉर साइबर फ्रॉड एंड बैंकिंग, साथ ही साथ करप्शन को दूर करने के लिए क्या अपेक्षाएं हमारे स्टाफ से या हमारे लोगों से होनी चाहिए या है लोगों की, इस बारे में बात की गई। और हमें अपने जो कस्टमर्स के हैं उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किस प्रकार से कितनी ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए, इस बात के लिए ये कार्यशाला यहाँ पे आयोजित थी, जिसमें रीजनल ऑफिसर हैं, क्षेत्रीय रीजनल ऑफिसर हैं बैंक के, और हम लोगों के द्वारा साइबर क्राइम से साइबर फ्रॉड से बचने के क्या उपाय हैं इसके बारे में बात की गई, और किस तरह हमको एक पब्लिक तक इस उपायों को पहुंचाना है, इसमें जागरूकता किस प्रकार लानी है, इस संबंध में बात की गई। बैंक के द्वारा जगह जगह चौपालों का और ग्राम सभाओं का आयोजन करके जानकारी दी जा रही है, और इस कड़ी में आज का यह दिन इस बैंक पे था जिसमें हम लोग सब उपस्थित हो पाए। जी सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विजिलेंस अवेयरनेस वीक, सतर्कता जागरूक सप्ताह मना रहे, हमने हमारी सभी शाखाएं दो दो ग्राम सभा किया है, बहुत सारी स्कूल में जाके विजिलेंस अवेयरनेस की प्रोग्राम हमने कंडक्ट किया है। इसी सिलसिले में हमने आज DSP यातायात श्री सुदेश सिंह सर को बुलाया था, आपने भी बैंकिंग के तरफ से क्या विजिलेंस अवेयरनेस होना चाहिए, कस्टमर को कैसे जागरूक करना है, फ्रॉड से फाइनेंशियल फ्रॉड से कैसे बचना है, और ये सभी लोग कैसे पालन करना है, इसके बारे में अच्छी तरह से सुविस्तार से हमको जानकारी दिया। हमारा मकसद ये है कि विजिलेंस अवेयरनेस बहुत लोगों को पहुँचाना है, क्योंकि हमारे शाखा ये पूरी हमारा रीजन में 77 है, वो ब्रांच के शाखाओं के तरफ से हमारे ग्राहकों के तक हमारी विजिलेंस अवेयरनेस बढ़ाने की हमारी कोशिश रहे, क्योंकि इसी की मकसद ये है जितनी लोग अवेयर रहे उतना भ्रष्टाचार उन्मूलन करने की अच्छा मौका है, क्योंकि ये सब हमारा जिम्मेदारी है, यही हमारी कोशिश थी। इसको मदद करने के लिए DSP सर आया, उनके लिए कि बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं हम भी इस विजिलेंस अवेयरनेस में और भ्रष्टाचार उन्मूलन में हम भाग लेंगे, और इंडिया के लिए इसलिए